नमस्कार साथियों, यहाँ पे मैं क्लास 12th का लेखा शास्त्र का रियल वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको पूरा पूरा आंसर सहित वीडियो बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को देखिएगा अंत तक और वीडियो शेयर करना ना भूले दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे अपन लोग देख रहे हैं त्रैमासिक परिषद 2023-24 की कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र 85 नंबर का छठे का पेपर है। पूरा पूरा रियल पेपर है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट काम वो करना है जो आपको करना चाहिए, सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना। तो यहाँ पे फटाफट शुरू करते हैं अपन लोग। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यहाँ पे हैं 1 से 5 तक के 32 प्रश्न, यहाँ पे हैं 6 से 15 तक के 10 प्रश्न हैं जो कि 30 शब्द में अंक देना है। यहाँ पे 16 से 19 तक के 4 नंबर वाले प्रश्न हैं जो 75 शब्द में देना है, 75 शब्दों में देना आंसर। यहाँ पे 20 से 23 तक के लिए 4 अंक वाले 120 शब्दों में देना है। यहाँ पे 6 से 23 तक के लिए सही प्रश्न दिए गए हल करना है। अब बात यहाँ पे प्रश्न और उत्तर की बात। तो यहाँ पे पहले है साझेदारी समझौते से कि अभाव के पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो कितने में 6%। यहाँ पे ख्याति क्या है, ख्याति क्या है, इसका जो एक आंसर होने वाला है एक, ठीक है, एक चल संपत्ति क्या होने वाला है, एक चल संपत्ति, एक स्थाई संपत्ति, ठीक है, एक क्या होने वाला है, एक स्थाई संपत्ति, ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नए साझेदारी, यहाँ पे 3rd नंबर, नए साझेदारी द्वारा ख्याति का भुगतान किया जाता है, कब किया जाता है, भावी लाभ का हिस्सा पाने के लिए, कब किया जाता है, भावी लाभ का हिस्सा पाने के लिए। नेक्स्ट है तुम्हारा अभिभाजनीय कोष कौन सा रहता है, तो अभिभाजनीय कोष कौन सा रहता है, तो इसे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये मेरे को नहीं मिला। प्रश्न नंबर 5 मृत साझेदार को उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर कितनी वार्षिक दर ब्याज देना पड़ता है, तो कितने ब्याज देना पड़ता है, 6%, ठीक, कितने, 6%। फाइनली यहाँ पे कंप्लीट होता है प्रश्न नंबर 6 पे आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे वसूली खाते में अंतरिम नहीं किया जा सकता, वसूली खाते में किसे अंतरिम नहीं किया जा सकता, तो किसे, रोकड़ खाता है, ठीक है। यहाँ पे फाइनली कंप्लीट होता है। अब एक बार मैं फिर कंप्लीट कर देता हूँ फटाफट। यहाँ पे 1 नंबर का 6%, तो ख्याति क्या है, स्थायी संपत्ति है। यहाँ पे साझेदारी की व्यक्ति ख्याति का भुगतान किया जाता है लाभ प्राप्त करने के लिए। इसका वाले का थोड़ा आंसर मुझे कम्प्लीटली नहीं मिला है, तो आप इसे थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 5वां नंबर देख सकते हैं, मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान ना करने पर कितनी % की ब्याज देना पड़ता है, 6% का ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी वसूली खाते में आंतरिक नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, रोकड़ा खाता, ठीक है। फाइनली यहाँ पे हो जाता है। चलते हैं यहाँ पे खाली स्थान पे, क्या देखेंगे आप लोग, खाली स्थान। यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने खाली स्थान है, फटाफट देखेंगे। पहला है परिवर्तनशील पूंजी, पूंजी पद्धति में पूंजी का अंतिम शेष प्रतिवर्ष रहता है, तो क्या रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। पहले ऑप्शन क्या होगा, बदलता रहता है। सेकंड है, आप चलते हैं सेकंड में, साझेदारी के माध्यम लाभ में विभाजन खाली खाली के लिए खाता बनाया जाता है, तो क्या यहाँ पे खाता बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है, लाभ हानि वितरण खाता, क्या बना जाता है, लाभ हानि वितरण खाता, ठीक है, वितरण खाता ये बनाया जाता है। ये ऊपर नीचे मैंने लिख दिया, आप लिख सकते हैं लाभ हानि वितरण खाता। अब नेक्स्ट आता है ख्याति का वास्तविक मूल व्यवसाय के पर खाली खाली पर ही ज्ञात किया जा सकता है, तो कहाँ पे ज्ञात किया जा सकता है, विक्रय पर, क्या किया जाता है, विक्रय पर, ठीक है, यहाँ पे विक्रय पर होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने जीवन बीमा संचय कोष को खाली खाली पूंजी खाता में हस्तांतरित किया जाता है, तो किसे किया जाता है, साझेदारी को, किसे किया जाता है, एक मिनट, हाँ, इसे किया साझेदारी को, किसे, साझेदारी, ठीक है, साझेदारी को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फार्म के विघटन पर सर्वप्रथम दायित्व का भुगतान किया जाता है, तो किसको किया जाता है, बाहरी, ठीक है, बाहरी दायित्व को सबसे पहले भुगतान किया जाता है। अब नेक्स्ट है विघटन पर फार्म की संपत्तियाँ उनके खाली के मूल पर वसूली खाते की अंतरिम की जाती है, ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मुझे नहीं मिला है, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं सही जोड़ी की ओर। जी हाँ बच्चों, सही जोड़ी की ओर, तो सही जोड़ी आप फटाफट एक बार देख लेंगे, ठीक है, आपको मैं एक बार सही जोड़ी दिखा देता हूँ। पहले कहा है ऑप्शन आपके सामने दे दिया है, प्रत्येक साझेदारी का फॉर्म होता है, तो क्या होता है, यहाँ से हो जाता है आपका, क्या होता है, एजेंट होता है, क्या होता है, एजेंट, यहाँ पे ग दे दिया गया आपके सामने, ये आपका पहले का हो जाएगा एजेंट, ये आपका पहला, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है आपको साझेदारी के लाभ का अनुपात में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, इसे आप अभी होल्ड रखेंगे। 3rd नंबर क्या है आपका, 3rd नंबर देखते पढ़ लो, ठीक है, किसी एक साझेदारी का दिवालिया होना क्या कहलाता है,
संयोग द्वारा विघटन, क्या होता है संयोग द्वारा विघटन। ठीक, नेक्स्ट चौथा नंबर क्या है, ख्याति का लेखांकन होता है, ख्याति का जो लेखांकन होता है क्या होता है, ठीक है क्या हो जाता है आपका चार, ठीक है लेखांकन प्रमाप 26। यहाँ प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, फॉर्म को अवकाश लेना क्या कहलाता है, तो ये भी थोड़ा कम कंफर्म नहीं हो पाया मुझे। साझेदारी की मृत्यु क्या कहलाती है, ठीक है साझेदारी अगर मृत्यु होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी को भुगतान करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाता है। ठीक है नेक्स्ट है, फार्म का व्यापार अवैध होता है, फार्म का व्यापार अवैध होता है तो कब, ये आपके सब सारे सारे से मैंने सही जोड़ी कंप्लीट कर दिया, आप इन्हें एक बार देख सकते हैं। ठीक है अब आ जाते हैं पंच सत्य और असत्य की बात, ये कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए होगी मेरे ख्याल से। अब चलते हैं सत्य और असत्य की बात, यहाँ पे पहला एक एक वयस्क को कन्फर्म फॉर्म की शामिल किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। साझेदारी निर्माण केवल वैधानिक व्यवसाय के लिए किया जाता है, हाँ। लाभार्जन, ठीक है लाभार्जन अनुपात में ख्याति मिलाने का प्रभाव नहीं पड़ता है, असत्य है। लाभ में हिस्सा पाना नए साझेदारी को प्रमुख अधिकार है, सत्य है। ख्याति की राशि पर मृतक, ख्याति की राशि पर मृतक हिस्सा नहीं होता है, तो यहाँ पे थोड़ा इसे आप देख लीजिएगा, ये मेरे से नहीं बन रहा। ऐच्छिक साझेदारी के अनुसार साझेदारी से साझेदारों को निवृत्त हो सकता है, छठे में हो सकता है, असत्य है। तो यहाँ पे फाइनली कंप्लीट कर सकते हैं, पहला पहला आपका सत्य है, सेकंड भी आपका सत्य है, थर्ड आपका असत्य है, फोर्थ आपका सत्य है, फाइव आपका ये कंप्लीट नहीं मिला था मुझे, तो आप इसे देख सकते हैं, नहीं होगा मतलब ये असत्य ही होगा, यहाँ पे इसे छठे में आपका असत्य है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं एक वाक्य उत्तर, एक वाक्य उत्तर फटाफट आप देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। एक्स तथा वाई बिना समझौते 2000 का फॉर्म रेट दिया जाता है, तो कितने 1% ब्याज, 6.5% का, ठीक पहले का ऑप्शन हो जाएगा। साझेदार को वेतन का लाभ हानि नियोजन के आंतरिक विकल्प होता है, इसे थोड़ा देख लेंगे आप। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या होता है, तो लाभ होता है, ठीक है यहाँ पे इसका लाभ हो जाएगा, ठीक लाभ हो जाएगा। फाइनली यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया सारे सारे क्वेश्चन, अब आके नेक्स्ट को प्रश्नों के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा मैं, तो आप उसे तैयार करके जरूर देखिएगा, यहाँ पे आप इतना तक कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जय हिंद वंदे मातरम, और जल्द से जल्द इसका सेट भी आएगा आपके सामने, सेट भी।